नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं लेकर आया हूँ 23 जुलाई 2023 का राशिफल। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। सूर्योदय होगा 5:36 पर, सूर्यास्त होगा 7:16। शाम को तिथि है शुक्ल पक्ष पंचमी, वार है सोमवार। चंद्र राशि कन्या अभिजीत मुहूर्त 11:59 AM से 12:54 PM तक। राहु काल रहेगा 5:34 PM से 7:16 PM तक। आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो ढेर शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। विद्यार्थी अध्ययन कार्य में रुचि लेंगे, प्रेमी युगल जोड़ों के लिए दिन अच्छा रहेगा, सौभाग्यदायक रहेगा। व्यापारी लोग व्यापार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि आप नौकरी में है तो आपका दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। आप शेयर मार्केट सट्टेबाजी में निवेश करने की कोई पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप किताबों के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आपके सभी काम ठीक ठाक होते चले जाएंगे। शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, घरेलू कामों में घर वालों का साथ देंगे। वृषभ राशि, विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे, प्रेमी युगल जोड़ों के लिए स्वाभाविक है। व्यापारी लोग व्यापार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि आप नौकरी में है तो आपका दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। यदि आप सट्टेबाजी में शेयर मार्केट में कुछ जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें और मार्केट खुलने पर दाम लगाएं। बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा है, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा है, माता पिता से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि, आपको आपकी माता जी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। घर की छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। टीवी कंप्यूटर आदि खरीदना चाहते हैं, लैपटॉप मोबाइल वगैरह खरीदना चाहते हैं तो दिन शुभ है। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का भी आपको मौका मिलेगा। आपके खर्चे बढ़ेंगे, जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे। घर पर कुछ अतिरिक्त कार्य निर्माण गृह सज्जा संबंधित काम हो सकते हैं। सामाजिक और पारिवारिक उत्सवों में भाग लेंगे। कर्क राशि, आज कड़ा संघर्ष करने का दिन है, जिसके कारण आप तनाव और थकानग्रस्त होंगे। आपके छोटे भाई बहन आपका सहयोग करेंगे। आपके आत्मविश्वास को बनाए रखने में आपको आज आपके परिवार वाले सहयोग करेंगे। धैर्य बनाए रखें, सभी कामों को चालू रखें। पैसा कड़ी मेहनत से प्राप्त होगा। जीवन साथी से संबंध मधुर रहेंगे। आपके बच्चे आपको श्रेष्ठ परिणाम देंगे। सिंह राशि, आप तनाव और थकान से मुक्ति पालेंगे। अपनी हिम्मत को दिखाते हुए, अपने जोश को दिखाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। घर पर बैठकर आप बहुत सारे कामों को पूरा कर लेंगे। कड़ी मेहनत से धन प्राप्त होगा। जीवन साथी से रिश्ते अच्छे हैं। आपके सभी कामों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलेगा। कन्या राशि, परिवार में उत्सव जैसा माहौल होगा। किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। आर्थिक पक्ष से संतुष्ट होंगे। आपके परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज आप कोई खरीद कार्यक्रम रद्द करके घर में ही रहेंगे, यानी शॉपिंग वॉपिंग नहीं करेंगे। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करेंगे। आपकी आमदनी होगी, आपको विभिन्न रास्तों से धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक कार्यो में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और बहुत ही शानदार ईरानी फिरोजा। ये ईरानी फिरोजा आप इस सावन के महीने में पहनिए और अपनी किस्मत को चमका लीजिए भोलेनाथ की कृपा से। जो भी लोग ये ईरानी फिरोजा पहनेंगे उनका भाग्य जाग जाएगा, इस बात की गारंटी है। ये चांदी में मढ़ा हुआ आपको दिया जाएगा अंगूठी या लॉकेट के रूप में। आप लोग इसको प्राप्त करने के लिए F1 लिख सकते हैं और इसके साथ में आपको सावन के महीने में दिया जाएगा भगवान शिव का प्रिय 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री। तो ऑर्डर करने के लिए F1 लिखिए। तुला राशि की बात की जाए तो आज का दिन अपवाय राशि को दिखा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में निराशाजनक परिणाम प्राप्त होंगे। धैर्य धारण करें, सभी समस्याओं का निदान है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यात्रा पर जाते समय सावधानी रखें। प्रेमी प्रेमिका आज का दिन अच्छी तरीके से बिता पाएंगे। वैवाहिक जीवन में सुख रहेगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन निवेश करने के लिए शुभ है। मुश्किल घड़ी में आज रखिए और निवेश आपको सहायता प्रदान करेगा। आपकी वाणी मधुर रहेगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। कुछ लोग आपके घर मेहमान बनकर आ सकते हैं, उनका स्वागत करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और बहुत ज्यादा मेहनत करने से बचिएगा। जो करना है वो करिए, जो नहीं करना है उसको छोड़ दीजिए। धनुराशि, आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है। निश्चित रूप से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापारियों को निश्चित रूप से अनेक लाभ होंगे। यह समय शेयर मार्केट से या जुए से या ऐसी शॉर्टकट के तरीके से पैसा कमाने के लिए शुभ नहीं है। कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में प्रसन्नता मिलेगी। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें, दिन अच्छा बीतेगा। मकर राशि, आप किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेंगे। बच्चों का साथ और सहयोग आपके हृदय को प्रसन्नता और उत्साह से भर देगा।
बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छा है, सौभाग्यदायक रहेगा, आपका जीवन साथी के प्रति लगाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, व्यापारियों का नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आज का दिन अच्छा है। कुंभ राशि, आज थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं, काम में रुकावटें आएंगी, गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखें, सट्टेबाजी शेयर मार्केट में से दूर रहें, जुए से दूर रहें, किसी की शॉर्टकट के तरीके से पैसा न कमाएं, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आज का दिन प्रेम संबंधों में शुभ रहेगा, आपकी टांग में या कमर में दर्द हो सकता है, आपकी भाषा का संतुलन बना करके आपको अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि, अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे, प्रेमी प्रेमिका को मिलने का अवसर मिलेगा, व्यापार व्यापारियों को नया साझेदार मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मामले में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, जीवन साथी के संबंध अच्छे रहेंगे, ससुराल पक्ष की तरफ से धन प्राप्ति के योग है, आपके बच्चे साहसी होंगे, विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे पढ़ाई लिखाई में, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हनुमान जी की उपासना करें, शिव जी की उपासना करें, आपके बनते काम बनते चले जाएंगे और कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आज का महा उपाय है, आप में से बहुत सारे माता पिता परेशान है, उनके बच्चे उनकी सुनते नहीं है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, तो क्या करें, संतान बिगड़ रही है, बुरी आदतें पड़ रही है, आपकी आंखों के सामने आपकी संतान को बिगड़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं और बहुत परेशान है, समझा समझा के थक गए, तो अब एक ज्योतिष का उपाय भी कर लीजिए, चांदी की छोटी छोटी 25 गोलियां बनवा लीजिए किसी भी शुगर की दुकान से, बहते हुए पानी में प्रतिदिन एक गोली बहाएं या 25 गोलियां एक साथ भी आप बहाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपकी संतान सीधी हो जाए, सुधर जाए, उसकी बुद्धि अच्छी हो जाए, 25 दिनों के अंदर आपकी संतान 25-30% आपकी बात मानने लगेगी और 1-2 महीने के अंदर आप देखेंगे संतान आपके पूरे कंट्रोल में आ जाएगी। हरिओम नमस्कार। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और बहुत ही शानदार ईरानी फिरोजा। ये ईरानी फिरोजा आप इस सावन के महीने में पहनिए और अपनी किस्मत को चमका लीजिए भोलेनाथ की कृपा से। जो भी लोग ये ईरानी फिरोजा पहनेंगे उनका भाग्य जाग जाएगा, इस बात की गारंटी है। ये चांदी में मढ़ा हुआ आपको दिया जाएगा अंगूठी या लॉकेट के रूप में। आप लोग इसको प्राप्त करने के लिए F1 लिख सकते हैं और इसके साथ में आपको सावन के महीने में दिया जाएगा भगवान शिव का प्रिय 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री। तो ऑर्डर करने के लिए F1 लिखिए।